सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है 100 करोड़ की लागत से बिहार में 3 नदियों पर पुल निर्माण कराया जाएगा। आप लोग में आगे बढ़ने से पहले मुझसे जो बड़े देख रहे हैं उसको प्रणाम, और जो छोटे देख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार, और मेरी उम्र वाले कैसे हो यार। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग जो रहेगा ये एक रिसर्च ब्लॉग रहेगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी 3 नदी है जिस पर कि 100 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा? नदी दूसरा है बरुआ नदी और तीसरा है ओढ़नी नदी। देवघर जाने के दौरान कांवरिया को सहूलियत होगी। मुख्य कांवरिया पथ सुल्तानगंज डुम्मा के बीच बरुआ नदी और भागलपुर अमरपुर बांका NH-25 के ओढ़नी नदी पर हाई लेवल RCC ब्रिज बनाने की स्वीकृति मिल गई है। बरुआ नदी पर जब पुल बन जाएगा तो कांवरिया को पार करने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसे तो दोनों ही नदियों में पुल है लेकिन जर्जर हो चुका है, इससे गुजरना लगभग बंद है। लोगों को पुल के नीचे से गुजरना होता है। बरुआ व ओढ़नी नदी पर पुल निर्माण में करीब 86 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें बरुआ नदी पर 39 करोड़ व ओढ़नी नदी पर 47 करोड़ की लागत से तैयार होगा। राज्य सरकार के पैसों से दोनों जगह के पुल का निर्माण कराया जाएगा। कांवरिया पथ सुल्तानगंज देवघर स्टेट हाईवे 22 के 75वें किलोमीटर पर स्थित दरभाषा नदी पर भी बनेगा। इसका निर्माण भी पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल भागलपुर कार्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। पुल 6 मीटर चौड़ा और 18 मीटर लंबा होगा। इस पर करीब 14.26 करोड़ खर्च आएगा। सब कुछ ठीक रहा बनने तो लगेगा पुल। आई होप कि आपको ये रिसर्च ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।